इनको घर भेज देंगे इस बार। अच्छा। इनको घर का रास्ता दिखा देंगे तो कि आप लखनऊ आएंगे तो आपको सबक सिखा देंगे। उनके बाल पकड़ के जैसे कार्टून बनाते हैं, मजाक बना के रखा हुआ है कि इन्होंने, इनकी चलेगी क्या? लोग निकलते हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अगर इस तरह से गुंडाई राज में ये 300 क्या, ये कुछ भी पार कर सकते हैं। काम पूजा करने का पूजा करिए, आप देश नहीं चला सकते। असल में सारे के सारे गुंडे जो है वो बीजेपी में पहुंच गए हैं। यहाँ से अपराधी डालिए और यहाँ से आप साफ सुथरे पाक जो निकलेंगे वो बीजेपी में आ जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम नोएडा विधानसभा में हैं, वही विधानसभा जहां पंकज सिंह विधायक हैं, राजनाथ सिंह के बेटे। और आपको बता दूं कि कल आपसे मुलाकात होगी अयोध्या में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल नोएडा में है, नोएडा के तमाम लोग जो है यहाँ के हमने इकट्ठा कर लिया है। पार्क में कुछ लोग इवनिंग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग जिम से आ रहे थे, सभी लोग हमने इकट्ठा कर लिया है। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, किस तरीके काम हुआ है? देखिए, काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, नाम बदले जा रहे हैं और काम तो कुछ हुआ नहीं है। जो भी आप ये देख रहे हैं सब 2014 से पहले का है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। बस ये VIP सीट है कि भाई किसी को भी उठा के सेफ सीट सोचते हैं कि भैया यहाँ पे जो बीजेपी के वोटर हैं वो ज़्यादा है, इनको यहाँ भेज दो। बाकी काम के नाम पे आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। एक वो तो आपने कहा 2014 का जिक्र किया, तो वो तो मोदी जी के काम पे आप गिनवाने लगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 महीने बाद यहाँ पर चुनाव है, क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ फिर से जो है वो सत्ता में आ पाएंगे या फिर? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो जनता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, इस बार उन्हें सबक सिखाने वाली है। योगी जी को मठ में भेजेंगे। आपका काम, आप मेहनत हैं, आपका काम हुआ पूजा करने का, पूजा करिए। आप देश नहीं चला सकते, देश वो चलाएगा जिसको जानकारी, राजनीति की जानकारी हो। आपने मठ चलाया है, आप मेहनत हैं, आप वहाँ काम करिए। आप ये नहीं कर सकते हैं। नहीं, ये बताइए कि वो तो लगातार कह रहे हैं कि भैया हमने उत्तर प्रदेश नंबर 1 का आपने देखा होगा बोर्ड लगा है, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी, जगह जगह बोर्ड लगा, वो तो कह रहे हैं भैया हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 किया है। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल कह रहे होंगे, उनके लोग कह रहे होंगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं आप ये भी तो देखिए। हमें पता ना असल में क्या हुआ है, असल में क्या हुआ है, इन्होंने पूरे प्रदेश में क्या है, इन्होंने 69,000 जो शिक्षक हैं भर्ती रोकी हुई हैं, अगर वो आंदोलन करने जाते हैं तो उनको जेल में बंद कर देते हैं, और जब जेल में बंद कर देते हैं उनको, और उनको फिर उनको धमकाते हैं, खुलेआम उनको धमकाते हैं, किसानों को धमकाते हैं कि आप लखनऊ आएंगे तो आपको सबक सिखा देंगे। उनके बाल पकड़ के जैसे कार्टून बनाते हैं, ये मजाक बना के रखा हुआ है कि इन्होंने, इनकी चलेगी क्या? किसान क्या आपकी बारी फैक्ट करेंगे? किसान, छात्र, सरकारी नौकरी वाले, मजदूर, सब इफेक्ट करेंगे। इनको घर भेज देंगे इस बार। अच्छा। इनको घर का रास्ता दिखा देंगे। पार, कल ही वो एक प्रोग्राम के जरिए कह रहे थे 300 पार। देखिए, गोदी मीडिया है, वो 300 का 400 भी कहेंगे। उनके कहने से थोड़ी कुछ होता है, वो तो बोलेंगे 400 में से 403 सीट जाएंगे, 402 सीटें, 403 जाएंगे, उनके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता तो चाहती है, नोटबंदी के बाद से लेके देशबंदी तक हालात बद से बदतर कर दिए इन्होंने। उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पर जो है कर वोटिंग होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के रोजगार खत्म हो गए हैं, डेवलपमेंट खत्म हो गया है, और जो ये कहते हैं ना कि गुंडा राज खत्म हो गया है, असल में सारे के सारे गुंडे जो हैं वो बीजेपी में पहुंच गए हैं। जितेंद्र बबलू का नाम सुना होगा, जितेंद्र बबलू ने 2009 में रीता बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस में थी तो उनका घर जला दिया था, आज वो बीजेपी में आ गए, तो कौन सही है भाई? अच्छा। आप बताइए, सारे वॉशिंग मशीन है, आप यहाँ से अपराधी डालिए और यहाँ से आप साफ सुथरे पाक जो निकलेंगे वो बीजेपी में आ जाएंगे। ये चल रहा है यहाँ पे तो ठीक है। फिर फिलहाल पंकज सिंह ने 4.5 सालों में किस तरह के काम किया? राजनाथ सिंह के बेटे थे, काफ़ी सारी उम्मीदें होंगी नोएडा की जनता को, किस तरह के काम देखे? देखिए, ये आम आदमी से अगर आप पूछेंगे कि पंकज सिंह ने 4.5 साल में क्या किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक काम भी आम आदमी गिना पाएगा कि पंकज सिंह ने ये काम किया। कोविड की लहर जब पूरे देश के अंदर, जहां आज हम देख रहे थे कि लाखों लोगों की जान जा रही है, नोएडा शहर जहां पूरे देश का आदमी रहता है, वहां ना तो बेडों की व्यवस्था थी, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे थे। उनसे बात करने के लिए जब फ़ोन करते थे तो वो लोग नोट रीचेबल में कुछ नहीं किया, क्या? कुछ नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं, 2012 से जब से नोएडा विधानसभा सीट अलग हुई है दादरी से, अब तक भाजपा का ही विधायक बना है। आप बता दिए 2012 से और आज तक कोई एक ऐसा रोजगार के साधन अगर युवाओं के लिए कोई इन्होंने दिए हों? नहीं, तो योगी जी लगातार कह रहे हैं कि भैया हमने 4 लाख रोजगार दिया है, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, हमने 4 लाख रोजगार आपने मतलब जो है दिया, और राशन को लेकर धन्यवाद बता रहे हैं मोदी जी को। मैं बताता हूँ, बोर्ड लगा हुआ है प्रदेश के बाद छोड़िए, हिंदुस्तान में मुंबई के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग रहते हैं तो वो नोएडा में रहते हैं। ऐसा अगर इन्होंने रोजगार दिया है तो ऐसा क्या कारण है कि आज नोएडा का जो पूरा क्षेत्र है वो, जहाँ किराएदारी इतना ज़्यादा होती थी, आज वो खाली क्यों है? कोई ना कारण तो रहा, लोग चले गए।
अरे बताइए, अगर रोजगार यहाँ है, रोजगार उन्हें दिए तो यहाँ के कमरे खाली नहीं होने चाहिए थे ना, यहाँ के मकान खाली नहीं होने चाहिए थे। आज यहाँ के मकान मालिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन्हें अनाप शनाप बिजली के बिल जो डबल रेट हो गए हैं बिजली के बिलों के, उनको वो जमा करने पड़ रहे हैं, उनको अपने बेटों की जो बच्चों की जो स्कूल की फीसें हैं वो डबल भरनी पड़ रही हैं, उनमें तो कोई रियायत नहीं दी है सरकार ने। यहाँ के युवाओं का रोजगार छीनने का काम सिर्फ भाजपा सरकार ने और योगी सरकार ने किया है। कहा योगी सरकार ने रोजगार छीनने का काम किया है, वो कह रहे हैं कि भाई आपकी बार 300 पार लेकर आएंगे, जो सवाल मैंने पहले भी पूछा इनसे, क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रमुखी के चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, जबरदस्ती प्रशासन के दम पर, इसी तरह से गुंडाई राज में ये 300 क्या ये कुछ भी पार कर सकते हैं। इन्होंने मर्यादा ही जिन्होंने पार कर दी हो, इंसानियत की तार तार कर दी हो, वो कुछ भी पार कर सकते हैं। ये नोएडा के लोग हैं जो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आ गया जी, आप क्या नाम है आपका? उधम सिंह। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश के 4.5 साल के काम काज को? काम वाम तो जैसा हुआ अभी पूरी पब्लिक का पता है। हाँ। भाई एक गाल बजाने वाला काम है इस सरकार का। हाँ। गाल बजा रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, काम नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ है। हाँ। और इनने जो है अपना जो है मीडिया से अच्छी पैट बना के और साठ गांठ करके और मैसेज जो पहुंचा रहे हैं पब्लिक में, ऐसा पॉजिटिव मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई जैसा बीजेपी ने किया है ऐसी कोई सरकार नहीं कर सकती। किसान इफेक्ट करेंगे आपकी बात? हाँ, किसान इनको जो है घर भेज देंगे। हाँ, नोएडा की जनता आप लोग क्या सोच रहे हैं? भैया सोचना क्या है इसमें, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार वो आवे कि जो पब्लिक के हित में हो। तो बीजेपी ने हित नहीं किया बीजेपी ने। उत्तर प्रदेश में अभी जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो महिला को सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा बात की गई थी, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, तरह तरह के जो है वो कानून बनाए गए कि भाई महिला सुरक्षा, क्या देखते हैं, किस तरीके देखते हैं 4.5? इनके महिला मंत्री सुरक्षित नहीं है, महिला मंत्री सुरक्षित नहीं है इनके सरकार में। रीता बहुगुणा जोशी का घर जला दिया जाता है तो वो क्या जो अपने मंत्री महिला का मंत्री का ये रक्षा नहीं कर सकते, वो आम पब्लिक की क्या रक्षा करेंगे? आप समझे ना कि जो लखनऊ के अंदर सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए जिसका घर जला दिया गया हो, है आप कहते हो महिला सुरक्षा, कहे की महिला सुरक्षा? आए दिन बलात्कार इनके भाजपा के नेता विधायक कर रहे हैं, आए दिन उनके साथ बदतमीजियां हो रही है महिलाओं के साथ, कौन कर रहे हैं, किसकी सह पे हो रहा है? ठीक है, उन्नाव की घटना तो पता ही होगी आपको। तो जो वो उन्नाव के विधायक थे, माननीय विधायक बोलूंगा मैं क्योंकि बीजेपी के माननीय विधायक थे वो, उनकी पत्नी को टिकट दे देते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का, कहाँ महिला सुरक्षा चली आती है? उस विक्टिम के जो बलात्कारी परिवार था, पीड़ित जो थी, पीड़िता के पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं, हाथरस में आधी रात को उस बच्ची को जला देते हैं, हाथरस में आधी रात को बच्ची को जला देते हैं। ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालते हैं। अब ऐसे लोग अगर महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे तो ये तो कहीं से कहीं फिट बैठती नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अभी कहा गया था कि योगी जी से बात हो रही थी, जब मीडिया से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा विकास दुबे के जिस तरीके से कानून व्यवस्था की जब बात हुई तो बोला कि विकास दुबे की गाड़ी ऐसी पलट गई तो इसमें कानून व्यवस्था कानून क्या कर रही थी, वो कह रहे थे कि भाई अपराध होंगे तो गाड़ी पलटेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, गाड़ी पलट गई, विकास दुबे खत्म हो गए, लेकिन विकास दुबे के साथ वो राज खत्म हो गए। भैया 4.5 साल से सरकार में आप थे तो वो किन लोगों के नोएडा में फार्म बनवा रहे थे? फार्म हाउस किसका बना रहा था वो दुबे? किसके फार्म हाउस बनवा रहा था विकास दुबे? वो इनको जानकारी होगी ना इसकी? वो सारे के सारे राज दफन हो गए। अगर वो रहता तो दुनिया के सामने हकीकत आती, संरक्षण किसने दिया? 4.5 साल से तो आपने भी पाला ना उसको, पहले क्यों नहीं मार दिया? ये बताइए कि जब जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को लेकर अभी हमलावर है, योगी जी ये भी कह रहे थे कि भैया प्रियंका गांधी तो बड़े नेता है, उनको क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में आने की? देखिए उनका काम है कटाक्ष करना, ये कटाक्ष ही करेंगे। उन्हें पता है प्रियंका गांधी जी अभी जब लखनऊ में पहुंची तो पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो बैकफुट पे आ गई। इन्हें एक प्रोग्राम करना पड़ा, उन्हें एक प्रोग्राम करना पड़ा लखनऊ में, ताकि जो मीडिया है वो लाइमलाइट तो कांग्रेस को वैसे भी नहीं देती, लेकिन पूरा का पूरा लखनऊ हाईजैक हो गया था प्रियंका गांधी जी के प्रोग्राम की वजह से। तो ये डर है, इनको डर है, ये हिल चुके हैं अंदर तक। अच्छा, वो सपा को लेकर भी हमला बढ़ा लगातार, वो कह रहे हैं कि भैया सपा जो समाजवादी पार्टी जो है वो अगर आती है तो मंदिर में बाधा बन जाएंगे और चीज़ों में बाधा बन जाएंगे। देखिए मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, ठीक है जी, इसके अलावा तीसरी चौथी बात कौन सी करेंगे? गाय और गोबर की बात करेंगे और दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा जब ये आप बात करोगे ना कि टक्कर में कौन है, तो टक्कर में ये बोलेंगे टक्कर में ना तो सपा है ना कांग्रेस है, ये बोलेंगे टक्कर में तो ओबीसी की पार्टी है। हाँ।
क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं किसी तरीके से वोटों का मैनिपुलाइजेशन हो जाए और वोट एक तरफ हो जाए। ये तो इस तरीके में लगे हुए हैं। तो सच्चाई इनकी यही है, घरातल पे कुछ नहीं है, बस ये गाल बजाने वाले। तो भाई साहब ने बात बोली है, गाल बजाने वाले हैं और कुछ इनके बस की नहीं है। गाल बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग आज ये बोलिए, देखिए युवा है, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। क्या नाम है? ध्रुव शुक्ला। ध्रुव भाई बताइए कि युवा है, युवाओं को कितना रोजगार मिला? मोदी जी ने 2 करोड़ साल का वादा किया था, योगी जी भी भैया बोर्ड लगा रहे हैं जगह जगह, सरकारी नौकरी दी है 4-4 लाख। क्या कहना चाहेंगे? बोल तो रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हमारे भी पहचान के बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे एजुकेशन करके बैठे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी जॉब तो प्राइवेट है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मेरे पहचान में लोग हैं जो काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ नहीं बल्कि एमपी में भी सेम वही हाल है कि मतलब सालों से। अच्छा, या तो आप मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश से हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी साल से रह रहा हूँ। काफ़ी साल से रह रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से, चूँकि आप इंजीनियर भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या योगी जी दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब ये तो चुनाव में ही बताएगा। मतलब क्या आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है? मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है काफ़ी, खासकर रोज़गार में। हाँ। क्योंकि युवा काफ़ी नाराज़ हैं इस मामले से। हाँ। लेकर के मतलब जॉब कह रहे हैं कि मिल रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में नहीं मिल रही है। हाँ। और इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जो मतलब नेशनल लेवल पे हैं, जिसका यूपी पे असर पड़ सकता है। किसानों का मुद्दा है, भारी पड़ सकता है क्योंकि साल भर से ज़्यादा हो गया उनको, अभी तक उनको कोई न्याय वगैरह नहीं मिला। ये बताइए कि जो रोज़गार की बात जो है वो धरातल पर दिखाई दी नहीं दी? मतलब नहीं, कुछ खास इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत ही मिल रहा है। चलिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस आ रहे हैं जी? लंच बॉक्स साथ में ही लेकर आए हैं? जी सर। आ ही रहे हैं जी। क्या लगता है सरकार ने आप लोगों के लिए कितना कुछ किया है? 4.5 साल बीत गए। 4.5 साल बीत गए सर। 4.5 साल में ये 2 साल तो आदमी भूखे मर गया है। ये रोजगार धंधे जो हम लोग बाहर से आ करके और यहाँ पे रह रहे हैं, रूम का किराया तो इतना बढ़ गया है और यहाँ रहने का कुछ है नहीं, अपना तो यहाँ कुछ है नहीं। और जो यहाँ हम लोग कमा खा रहे थे वो भी सब छीन लिया गया, कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार ने जो कुछ भी किया। योगी जी अब आ रहे हैं, बताइए, आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी आप लोगों ने मिलके, तो अब ये दोबारा आ रहे हैं, नहीं आ रहे? हमें तो नहीं दिख रहा कि अब दोबारा आ जाए। कोई नहीं दिख रहा जी? नहीं, सभी लोग नाराज जो है दिखाई दे रहे हैं। आ गया, ये बोलिए बोलिए। हाँ, अरे बोलो तो सही भाई साहब, आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ, आप बताएंगे। आ गया जी। महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश जो है? आप लोग निकलते हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अगर रात में 10 बजे आते हैं तो ऑटो मिलने में बहुत दिक्कत होती है, पुलिस कहीं दिखती नहीं है, तो ये इम्प्रूवमेंट होगा। नोएडा में भी पुलिस नहीं दिख रही? नहीं बिल्कुल, मतलब मैं तो काफ़ी बार आती हूँ कहीं से, अगर 10 बजे हम लोगों को मॉल से वापस आना है तो ऐसा कुछ रोड वोड में पुलिस सुरक्षा दिखती नहीं है, जो कि प्रॉपर महिलाओं के लिए घूमनी चाहिए। और दूसरी चीज़ बेरोजगारी है कि इतने सारे, इतना पॉपुलेशन है इंडिया में कि उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स निकलती ही नहीं है। सो ये एक मेजर मुद्दा है पूरा इंडिया का कि बेरोजगारी कम। जिस तरीके से इन्होंने सवाल उठाया कि भैया नोएडा में ये रहती हैं और नोएडा में पुलिस इनको दिखाई नहीं देती, तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होंगे या क्या हैं, ये एक ध्यान देने वाली बात है। चलिए आखिरी में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो है वो कोविड के समय में इन्होंने कहा कि जो नदी में लाशें बह के आ रही हैं वो हिंदू धर्म के थे ही नहीं, इसीलिए उनको जो है दफन कर दिया गया। देखिए, इनका तो काम है कुछ भी बोल देना। वो हिंदू धर्म के नहीं थे तो वो कौन थे? मतलब जो मर गए वो हिंदू धर्म के नहीं थे? जो लोग मर के ऊपर स्वर्ग चले गए, अब आप उनका मजाक बना रहे हैं? श्रीनिवासन जी का नाम सुना होगा आपने, यूथ कांग्रेस ने कितना काम किया। ये हमारे नेता जी खड़े हैं, इन्होंने कोविड के लिए कितना काम किया, जगह जगह राशन पहुंचाने का काम किया, बहुत कुछ किया। सरकार कहाँ थी? सरकार कहीं थी नहीं। सरकार कहाँ थी? पुलिस के सारे डंडा बजाने में थी कि आप लोगों में डंडा बजाइए बस और काम मत करिए। तो इसी तरीके से मैनिपुलेट करना और कुछ नहीं करना है इन्होंने। जो हुआ, जिनके बीती, जिनके लोग चले गए, जिनके अपने चले गए, जिनके अपने गए हैं उनका दर्द ये नहीं समझ सकते हैं। पहले इन्होंने बोला कि जो चुनाव में जो लोग लगे थे पंचायत चुनाव में, वो 3 या 4 लोग मरे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद इन्होंने बोला 150 लोग मरे हैं। उसके बाद जब हमने डेटा बना के दिया, हमारे डेटा पे इन्होंने काम किया, तो इन्होंने बोला 1650 टीचर जो हैं उनकी मौत हुई है, अब उनको मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। तो ये जुमलेबाजी नहीं है तो क्या ये? आखिरी कमेंट क्या कहना चाहेंगे नोएडा की तरफ से यूपी वालों को? देखिए, नोएडा में बहुत ज़रूरत है विकास की, रोज़गार की, महिला सुरक्षा की और बच्चों के लिए एजुकेशन की।
जितना महंगा शहर नोएडा है अगर उसको हिसाब से हम देखा जाए, यहाँ प्रवासी लोग बहुत हैं और यहाँ देश के हर कोने से यहाँ आदमी आकर बेहतर बनाने की बहुत उसको बेहतर बनाने के लिए और यहाँ रोजगार के साधन मुहैया कराने की बहुत जरूरत है, जिससे कि हम लोगों को और मोटिवेट करें नोएडा में लोग आके बाहर से आके यहाँ हमारे साथ बसे। देखिए तो नोएडा विधानसभा में थे, नोएडा विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, पिछले 4.5 साल के काम को लेकर, वो हमने आपको दिखा दी। लेकिन फिलहाल चलते हैं अयोध्या और अयोध्या से लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे, इसके बाद गोरखपुर चलेंगे, वहाँ से दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।